फिलिस्तीन कहता है मेरी भी राजधानी यही रहेगी। देखिए इसराइल किसका देश है? यहूदियों का। किसका है? यहूदी। यहूदी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ज्यूस कहा जाता है। ज्यूस नहीं, ज्यूस कहा जाता है। इनका पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है। सिनेगॉग, सिनेगॉग। सबसे पुराना सिनेगॉग जो है वो जेरूसलम में है, जिसका नाम है वेलिंग वॉल। क्या नाम है? वेलिंग वॉल। सबसे पुराना सिनेगॉग वेलिंग वॉल, वेलिंग वॉल। सबसे पुराना सिनेगॉग वेलिंग वॉल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहूदी को यहूदी लिख दिए या हम बोलते रहेंगे उसी टाइम लिखते रहेंगे तो गलत लिखा जाता है। यहूदी, आप लोग में किसी को दिक्कत? जेरूसलम तीन धर्मों का पवित्र स्थल है। कितने धर्मों का? तीन धर्मों का पवित्र स्थल। सबसे पहले देखेंगे तो यहूदी लोगों का, यहूदी धर्म वहीं से स्टार्ट हुआ। कहाँ से? जेरूसलम। और जेरूसलम में ईसा मसीह पैदा हुए। जेरूसलम में ईसा, जेरूसलम में एक जगह है बैतलहम, जैसे हम लोग पटना है ना, अब पटना आ जाएंगे तो फिर कहाँ खोजेंगे? मुसल्लापुर। उसी तरह जेरूसलम चल जाइएगा तो वहाँ क्या खोजिएगा? बैतलहम। तो ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के बैतलहम। अच्छा, मोहम्मद साहब भी मिराज के दिन जब गए थे, वो अर्श मतलब गए थे, तो कहाँ से? अलक्सा के पास जगह है, वहाँ पे अलक्सा मस्जिद में नमाज पढ़े, फिर वहाँ से गए। तो अलक्सा जो मस्जिद है जेरूसलम में, मुसलमानों के लिए तीसरा पवित्र स्थल है। मक्का, मदीना और अलक्सा। मक्का, मदीना और अलक्सा, ये मुसलमानों का तीसरा पवित्र स्थल है। तो तीनों धर्मों का पवित्र स्थल कहाँ है? जेरूसलम। तीनों धर्मों का पवित्र स्थल जेरूसलम। केमिस्ट्री बैच दे दो जी इसको, क्या कह रहा है? आपको आपके चाचा की कसम, केमिस्ट्री बैच इसको वो करना, देखना वैलिडिटी बढ़ाए या फिर रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड ले लो। मेरा चाचा खुद ही जेल में है बेचारों पे, और कितना जुल्म सितम करोगे। सिनेगॉग और कहीं है, जहाँ जहाँ यहूदी रहते हैं वो लोग वहीं पूजा करते हैं लोग, सिनेगॉग वाले। समझा गया कि नहीं? यहूदी लोग पूजा करते हैं ना सिनेगॉग में जाकर, इसे माथवा सटा देते हैं दीवलवा से इसे। सारा धर्म का पूजा पाठ के लिए एकदम देखते रहिएगा, ताकि मरने के बाद भगवान कंफ्यूज हो जाए। मरने के बाद यमराज कहें कि हम ले जाएंगे, तो मलकुल मौत कहें कि हम ले जाएंगे। मलकुल मौत समझते हैं? यमराज में मुस्लिम वर्जन है वो। मुस्लिम में लोग, मुस्लिम लोग कहते हैं कि मौत कौन ले जा रहा है? मलकुल मौत। और हिंदू धर्म में यमराज भैंसा पर चढ़ के आते हैं, यमराज। समझा गया? और भैंसा नहीं है, क्या है उनका जी? भैंसा ही है। अच्छा, उनका सवारियों ऐसे दिया है एकदम भैंसा। अब मलकुल मौत इस्लाम धर्म के हिसाब से आते हैं, लेके चल जाते हैं कि चल बाबू तुम्हारा डेट पूरा हो गया। अब यहूदी लोग का चलिए आगे बढ़े। यहूदी के बताइए, जेरूसलम कितने धर्मों का पवित्र स्थल? तीन धर्मों का पवित्र स्थल। वहां सबसे फेमस मस्जिद अलक्सा मस्जिद, अलक्सा मस्जिद। यहूदी अलक्सा मस्जिद को गिराने वाले हैं सब। समझा कि नहीं गया? पूरा जी जान लगा दिए से गिराने के लिए। और उसको गिराने के लिए उन्होंने 3 साल पहले एक प्लान चला, जिसमें मुसलमान क्या पूरी दुनिया को उसे फंसा दिया सब, और अपने प्लान में कामयाब हो गए सब। जैसे सपोज कीजिए, कैसे, जैसे मान के चलिए कि हम खान सर, ठीक है, हम खान सर हैं, हम हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति को घोषित कर दिया जाए कि ये खान सर है, ये खान सर है, हमको साइड रख दिया जाए, तो 50 साल में लोग हमको भूल जाएंगे। आप सपोज कीजिए 50 साल आप हमको देखबे मत कीजिए, और किसी दूसरे व्यक्ति को देखिए खान सर, खान सर, खान सर, आपको लगने लगे वही खान सर, आ इधर हमको मार दे, तो पता चलेगा। तो अलक्सा मस्जिद को यही काम कर रहे हैं से ज्यूस। इतना दिमाग है उन सबका, उन्होंने 50 साल का टारगेट रखा। उन्होंने कहा कि एक दूसरे मस्जिद को रखते हैं, गूगल उनका, फेसबुक उनका, यूट्यूब उनका, सब कुछ उनका, का ये दूसरा मस्जिद जो है ना इसको दिखाई देंगे, अलक्सा मस्जिद, अलक्सा मस्जिद, अलक्सा मस्जिद। और अलक्सा मस्जिद आज मुसलमान की हालत ये हो गई है ना कि 80% मुसलमानों को नहीं पता कि अलक्सा मस्जिद है कौन सा। गिरने के बाद आवाज कौन सी उठाएगा वो? और ये नहीं, वो दूसरे मस्जिद को समझ रहा है अलक्सा। देखिए हम आपको गूगल पर दिखाते हैं,
देखिए, हिंदू इजराइल कहेगा खान सर को सब प्लानवे चौपट कर देते हम लोग का, कहीं हमरे मत उठा ले जाए। अल अलक्सा मस्जिद, ये लिखे ना अलक्सा मस्जिद लिखे। आप देखिए ध्यान से, जब भी बात आएगी ना तो अलक्सा मस्जिद में ये दिखाने लगेगा, ये येलो वाला दिख रहा है, ये अलक्सा मस्जिद ही नहीं है। और जब भी लिखे, ये डोम ऑफ रॉक है, समझा गया कि नहीं आ गया? जब भी लिखेगा ना तो अलक्सा मस्जिद इसको दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये अलक्सा मस्जिद ही नहीं है, समझा? अलक्सा को गिरा, इसलिए दूसरे मस्जिद को घोषित कर दिया कि यही अलक्सा है, और इसको ये इसको इजराइल को गिराना ही नहीं है, उसको गिराना है अलक्सा मस्जिद, पता ही नहीं चल पाता है कि ये अलक्सा नहीं है। सोचिए कितना दूर तक उनसो की चाल हो सकती है, आप सोच सकते हैं? पूरा इंटरनेट भरा हुआ है, आप देखिए रियल में दिखाते हैं आपको। अरे भैया खुल जाओ, देखो ये खुलने नहीं देगा इसको, चलिए देखिए। मुसलमान सबको इसमें गूगल वूगल में तो कुछ खास आइडिया उन लोग का चलता नहीं है। आ गया जी, दिख रहा है इसमें कहीं? ध्यान से देखिए, यहां दिख रहा है? इसको दिखाएगा क्या है अलक्सा मस्जिद? ये नहीं है अलक्सा मस्जिद, यहां है, ये देखिए ये, और ये दीवाल देख रहे हैं ना, ये दीवाल इन लोग का है कि वेलिंग वाल, वेस्टर्न वाल करके, कहने इनको दीवाल ये ले लेना है, यहाँ पे अलक्सा मस्जिद गिरा देंगे, दीवाल ले लेंगे, समझा कि नहीं? क्या अंदर से सुरंग बना रहे हैं सब? अब बताइए हमारे कोचिंग के नीचे कोई सुरंग बना देगा, सुरंगवा धंस गया, काम खत्म। अब वैसे भी नेट पे दिखा, इसको तो कोई देखिए नहीं रहा है यहाँ पे, समझा कि नहीं? तो मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल डोम ऑफ रॉक या फिर अलक्सा, अलक्सा, और नेट पे भरा हुआ है अलक्सा के नाम से ये, और ये खड़ा रहेगा वैसे के वैसे, आने वाले 15-20 साल में अलक्सा मस्जिद को गिरा देगा सब। और कब गिराएगा सब? सेम उस टाइम जैसे इजराइल हमास की लड़ाई कैसे चल रही है, पूरी दुनिया उधर बिजी रहेगी, इधर एगो सुरंग भसा देगा सब। ऐसा कभी नहीं हो सकता है बाबू, इजराइल का जो प्लान है हम बताए हैं, समझ गए कि नहीं? आ गया, आगे क्या होता है कौन जानता है, ये सब पता है। वेलिंग वाल किसका पवित्र स्थल? यहूदी का। वेलिंग वाल क्या है? वेलिंग वाल क्या है वो? वेस्टर्न वाल कहिए या वेलिंग वाल कहिए, वो दीवाल है यहाँ पे, समझ आगे कि नहीं? आ गया यहाँ पे, किसी को दिक्कत? ये तो दिख ही नहीं रहा इसमें। अलक्सा पूरा बहुत बड़ा कैंपस है पूरा, समझ आ गया कि नहीं? आ गया, किबली मस्जिद कहेंगे, किबली मस्जिद या फिर अलक्सा, यहाँ पे तो वही काली वाली जो मस्जिद है ना, मस्जिद किबली, ये वाला, इसी को अलक्सा पूरा, ये क्या हो जाता है कैंपस। अलक्सा एक मस्जिद नहीं है बल्कि पूरा बड़ा सा क्या है, कैंपस। इजराइल का टारगेट है किसको करना है यहाँ पे, और यहाँ से ये वाला एरिया जो है ना, ये वेस्टर्न वॉल, ये वॉल वाला एरिया, ये इजराइल लेना चाहता है, हम जाना ही नहीं देता इजराइल। हाँ, हमास को कह दिया तुम सेना नहीं रखते वहां, जो जाता है बंदूक उन्दूक तान देते हैं सब यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा धार्मिक चीजों में अब उतना भी इन्वॉल्व नहीं रही है आप लोग, जितना जान गए उतने जान गए, नहीं तो अब कौन हमारा ज्ञान देने लगेगा, इसको क्या पता है, कुछ नहीं हो सकता ऐसा, नहीं समझे? मार के 100% से 11% लिया दिया, कितना परसेंट लिया दिया? 11%।